ये सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपको याद होगा, सबसे कम समय में समाजवादी सरकार ने बना करके दिखाई, और ये एग्जाम्पल है देश के लिए कि इतने कम समय में कैसे किसानों से जमीन ली जा सकती है, कैसे उस सड़क को जमीन पे उतारा जा सकता है। और अभी तक की मैं कह सकता हूं देश की सबसे बेहतरीन सड़क माना गया उसको, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जितने कम समय में बन करके तैयार हुआ है देश में, मैं समझता हूं कहीं भी ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। और उस समय जब घोषणा पत्र में जारी कर रहा था अगले चुनाव के लिए, उस समय मैंने कहा था कि जो एक बार इस सड़क पर चल लेगा वो कहेगा कि हां समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी को ही हम वोट देंगे, और दूसरी बात विचार करेगा अपने मन में कि अगर देश में कोई सड़क बने तो सड़क ऐसी ही बने। वो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पलरी काम समाजवादियों ने किया, समाजवादी सरकार में हुआ। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, हम कॉस्ट कम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के मापदंड पे बना रहे सड़क आप, 8 लेन को 6 लेन कर दिया और लाइटें काट दी, स्वच्छ भारत का इतना प्रचार किया, बाथरूम कौन बनाएगा ये बता दो। अगर मान लीजिए एक बस से लोग जा रहे हैं, अचानक उन्हें जाना पड़ गया, तब क्या करोगे आप? और समाजवादियों ने ऐसी बनाई है एमिनिटीज वहां पर कि अगर दो बस भी इकट्ठी आए तो जा करके वो सर्विस लेन के किनारे उतर जाएं और पूरी की पूरी बस के लोग वहां जा सकते हैं, दो बसें इकट्ठी जा सकती हैं। वो जमीन कहां है? वो काट दिया आपने। हम सस्ता बनाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, जनता को धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और कोई शब्द नहीं बोल सकता मैं, शब्दों की भी सीमा है, क्योंकि और कोई शब्द बोल देंगे तो ज्यादा बुरा लग जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।